हालेलुया हालेलुया। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए, और मेरी ओर से भी आप सबको जय मसीह की। और सचमुच परमेश्वर महान है जिसने हमें अपने अनुग्रह के नीचे बुलाया है, और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी हजूरी सच में कलीसिया हमारे बीच है। क्योंकि परमेश्वर इन दिनों अपने काम को, अपने लोगों को बहुत सारा ब्लेस कर रहा है। अपने कामों के द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम को आप सबके जीवनों में प्रकट कर रहा है। आमेन। और निश्चय परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। जैसे हम खुदा के दास के द्वारा हमेशा सुनते हैं कि वह हमारे जीवन के हर एक काम को करने की सामर्थ, ताकत, पावर रखता है, क्योंकि इस संसार को बनाने वाला और जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं, सच में वो परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि वह सामर्थी है, वो शक्तिशाली परमेश्वर है, हमारे जीवन को ब्लेस करने वाला, हमारे लाइफ के हर एक रुके काम को करने वाला वो परमेश्वर हमारे साथ है। हमें अपने जीवन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, जहाँ हम इस चीज़ को कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि इसके वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए मैं सब कुछ करूँगा। और जो लोग वचन में लिखा है विश्वास के द्वारा उसे पुकारते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, उसे प्रेम करते हैं, और उस प्रेम के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों को ब्लेस करता है। हमारे हर एक जीवन में, हर एक जो रुका काम है, कोई भी रुकावट है, कोई भी बंधन है, तो निश्चय जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उसकी हजूरी में समय से आके उसे आदर देते बने रहते हैं, तो सच में परमेश्वर हमारे कामों को करता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ अपने कामों तक सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी ज़रूरतों तक सीमित नहीं रहना है, हमें वो सच्चा प्रेम परमेश्वर से करना है जो उसने हमें किया है। क्योंकि उसने हमें निस्वार्थ प्रेम किया है, हमने उसके, क्योंकि उसने तो हमसे कुछ नहीं लिया ना, जिस बदले उसने हमसे प्रेम किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने देखो ऐसा प्रेम हमसे वचन में लिखा है किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, और उसके द्वारा हमें ये आनंदमय जीवन मिला है, बिना चिंता, बिना मेडिसिन। जिसका जीवन आज बिना दवाई, बिना मेडिसिन के, उसे और क्या चाहिए, है ना। तो जो लोग कुचले हैं, बीमार हैं, हालातों में फंसे हैं, जब वो परमेश्वर के पास आते हैं, जब उसे जानते हैं, उसमें बढ़ते हैं, तो सच में परमेश्वर उनके कामों का करता है, उन बीमारियों को, उन हालातों को उनकी लाइफ से ख़त्म करता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब लोग मेरे पास आएंगे, मुझे जानेंगे, मुझे समझेंगे, तो सच में मैं उनके जीवन में अपनी भलाई को प्रकट करूँगा। और हम दिनों देख रहे हैं कि परमेश्वर सचमुच अपने लोगों को बहुत सारा बढ़ा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से परमेश्वर उन्हें निजात दे रहा है, उनकी बीमारियों को दूर कर रहा है, उनके घरानों को ब्लेस कर रहा है। और वो तभी हो सकते हैं जब हम अपने जीवन का वो प्रेम परमेश्वर को दिखाएंगे। और वो प्रेम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे बीज के द्वारा भी क्या वो परमेश्वर देखता है। क्योंकि कई बार हम उसके कामों के लिए, क्योंकि जो कुछ भी आप बीजते हो, जो भी आप, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, तो आप परमेश्वर के कामों के लिए आगे आते हो। तो निश्चय मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर लेकर रखने वाला नहीं, बल्कि 10 गुना 20 गुना 60 गुना 100 गुना देने की परमेश्वर सहमत रखता है। क्योंकि सच में इस चीज़ में हम अपने मन को शायद ऐसे करते हैं, लेकिन नहीं, जब भी कोई मैसेज मिलता है, जब भी कुछ भी ऐसे अनाउंस होता है, तो हमें आगे आना है परमेश्वर के कामों के लिए। क्योंकि हमारा प्रेम इससे साबित होता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर ने किया वो तो अद्भुत है, सोच के बाहर है, लेकिन हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं वो हमारा बोने से भी, वो भी एक परमेश्वर का नियम है। जैसे संगति में आना, विश्वास करना नियम है, लगातार बने रहना नियम है, तो ये भी एक बहुत पवित्र नियम है जो बिना सोच, बिना समझ के जो लोग करते हैं, निश्चय वो अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर लेकर रखने वाला नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम
पुरानी जगह जो थी परमेश्वर ने दी, परमेश्वर उस परिवार को भी बहुत सारा ब्लेस करे, क्योंकि अपने काम के लिए अपने हृदय और अपने मन को अपने घर को खोल देना ये बहुत बड़ी बात है। तो जहां हम पहले सत्संग करते थे तो वहां ऐसे सत्संग में जब हम गए तो जब बीज हुआ तो जो पैकेट मैं ऐसे लेके आई थी परमेश्वर के आदर के लिए तो वो शायद घर में रह गया ऐसे, तो जब मैंने अपने बैग में देखा तो वो नहीं था, तो मुझे बहुत ऐसे फील हुआ कि अब मैं क्या करूँ ना, क्योंकि हमेशा ये परमेश्वर का प्रेम है कि बोने का बहुत ऐसे परमेश्वर ने हमें वो मन दिया कि हमारा हमेशा परमेश्वर के लिए आगे आना और बढ़ चढ़ कर परमेश्वर के कामों के लिए है ना बोना बहुत ऐसे मन है। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास नहीं थे ना। तो मैंने ऐसे, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे मन को जानता है कि हमारा मन कैसा है ना, हम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है लेकिन आपके पास मन है तो परमेश्वर उसका इंतजाम भी करेगा। तो मैंने क्या किया, जब बीज के लिए ऐसे बच्चे आए तो मैंने ऐसे ही, मतलब था नहीं मेरे हाथ में, लेकिन मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे पास बहुत है और मैं आपके लिए बहुत सारा कर रही हूँ ना। तो मैंने ऐसे ही खाली ही ऐसे हाथ ऐसे मतलब थैली में कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे मन को देखा। और नेक्स्ट संडे क्या हुआ कि उस समय मेरा छोटे वाला बेबी, बस उसके इस दुनिया में आने के कुछ ही समय रह गया था, तो वो संडे मैंने अटेंड नहीं किया। तो मैं घर पर ही थी और हमारे ना कॉलोनी के पास ही एक छोटा से जगह है, तो वहाँ से कुछ लोग आते थे, आते तो मतलब वो जो हमारे बड़े भाई साहब उनके यहाँ संगति में थे, लेकिन वो ऐसे अचानक ही संडे को वो सत्संग वहाँ नहीं जा पाए। तो वो क्या हो गया कि उन्होंने सोचा कि हम घर चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि घर में तो कोई होगा नहीं क्योंकि सब लोग तो संडे को वो सत्संग जाते, लेकिन वो चाहत के साथ आए कि नहीं हम वो दोनों माँ बेटी थे तो वो आ गए कि परमेश्वर हम आज हम तेरा वचन सुनना चाहते हैं और तू हमारे लिए इंतज़ाम कर चुका है, हमें नहीं पता घर में कोई है नहीं है, लेकिन चाहत के साथ वो अपने घर से आ गए। उस संडे मैं घर ही थी, घर में ही थी, तो वो लोग ऐसे वो आए ऐसे, बहुत गर्मी थी उन दिनों क्योंकि मेरे छोटे वाले बेबी का बेटे का बर्थ जुलाई में हुआ, तो वो जुलाई का महीना था और वो लोग आए, और क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन को देखा, क्योंकि इस ऐसी उस गर्मी में भी वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए, क्योंकि वो संगति में तो जा नहीं सके लेकिन चाहत के साथ घर ही आ गए। तो मैं थी घर में, तो वो लोग उनको परमेश्वर ने बहुत ऐसे उत्साहित किया, उनको सिखाया, तो उन दोनों ने मतलब मुझे ऐसे मतलब ब्लेसिंग दी है ना। पर लेकिन मैंने पूछा कि मेरे लिए क्यों, क्योंकि सत्संग तो वो उधर जा रहे हैं ना, तो नियम जो भी बनता है वहाँ बनता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, ये आपका दशवांश है, ये आपका बीज है, क्या है? लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपके द्वारा हमें सिखाया और हम आपके लिए लेके आए। मैंने उन्हें कहा नहीं, मैं आप दे दो, मैं मतलब पापा जी को दे दूंगी है ना। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर ने अभी हमारे मन में डाला कि नहीं ये आपके लिए। और उन दोनों ने मुझे मेरे हाथ में इतना मतलब बीज दे दिया, जो भी उनका था, ब्लेसिंग थी, प्रेम था, मतलब बहुत ज़्यादा था। तो मैं एकदम हैरान हो गई कि परमेश्वर आपके वचन में सच में लिखा है कि जहाँ आप बीजते नहीं हो वहाँ भी आप क्या काट लेते हो। तो सच में जब हम अपने मन को अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलते हैं तो परमेश्वर जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर भी हमारे रास्तों को खोलता है, हमें ब्लेस करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी अपने मन को पीछे मत करो, जब भी परमेश्वर के किसी भी काम के लिए कोई भी मैसेज मिले, कुछ भी हो, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो कि नहीं, अगर मेरे पास नहीं है तब भी अपने मन को तैयार करो, देखना परमेश्वर, अगर आप मन रखोगे तो परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा कहीं से भी। मतलब परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है कि अभी इसी समय भी वो आकाश से क्या वर्षा कर सकता है ना, हमारी जरूरत को पूरा कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा कोई काम नहीं है वचन में लिखा जो वो ना कर सके,
वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन वो सच में हमारे मन को देखता, हमारे हृदय को देखता कि हम परमेश्वर के लिए कितना खोलते हैं। तो सचमुच परमेश्वर महान है और मैं जानती हूँ आपको ब्लेस कर रहा है और भी करेगा, बहुत करेगा। और आज के वर्ड के द्वारा भी परमेश्वर जब अपने दास के द्वारा बोलेगा तो निश्चय आपके रस्तों को खोलेगा, आपके हृदय को खोलेगा, आपके मनों को सच में वो खोलेगा। और आज के वर्ड, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमेन।